दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती है। इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से लेटेस्ट जारी हुआ है अभी हाल ही में। तो ये जो है एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर है, अभी तो सप्लीमेंट्री का टाइम टेबल वो तो हो गया है, लेकिन अब सेमेस्टर को लेकर यहाँ पर फॉर्म भरने को लेकर नई डेट्स आ चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कब से फॉर्म भर सकते हैं और इसके साथ साथ में ये फॉर्म भरने के लिए कितना फीस आपको लगने वाला है, वो सारी जानकारी भी इस वीडियो में देने वाला है। बहुत काम का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2023-24 के दिसंबर जनवरी के लिए सेमेस्टर परीक्षा के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरने को लेकर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कोर्स बता दूँ, देखिए एमए, एमएससी, एमकॉम, होम साइंस, मास्टर ऑफ सोशल वर्क का फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर, जिसमें मुख्य भूतपूर्व और एटीकेटी वाले आ सकते हैं, वह फॉर्म भर पाएंगे। एमएड, बीपीएड, एमपीएड के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर, मुख्य भूतपूर्व एटीकेटी, बीएड, बीएड स्पेशल एजुकेशन एमआर, बीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बीएड स्पेशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी के थर्ड सेमेस्टर में मुख्य भूतपूर्व एटीकेटी, बीएड एमएड सेकंड फोर्थ सेमेस्टर एटीकेटी वाले, बीपीएड, एमपीएड, बीएड स्पेशल एजुकेशन एमआर सेकंड फोर्थ सेमेस्टर एटीकेटी, बीए एलएलबी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ नाइन्थ सेमेस्टर के रेगुलर एटीकेटी वाले, बीए एलएलबी के फोर्थ सिक्स्थ और एट्थ और टेंथ सेमेस्टर यानी कि ईवन सेमेस्टर, एलएलबी भाग फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर रेगुलर भूतपूर्व और एटीकेटी वाले, एलएलबी सेकंड फोर्थ सिक्स्थ सेमेस्टर भूतपूर्व एटीकेटी, एलएलएम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर नियमित एटीकेटी और सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एटीकेटी वाले। ठीक है, ये ध्यान देना है कि कौन सा एटीकेटी वालों के लिए, रेगुलर वालों के लिए है कि भूतपूर्व वालों के लिए, ये भी आपको ध्यान देना है। बीबीए फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर मुख्य भूतपूर्व एटीकेटी, एमएससी आईटी फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर मुख्य भूतपूर्व एटीकेटी, पुराना और नया पाठ्यक्रम इसमें रहेगा। एमएससी आईटी के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर एटीकेटी, पुराना और नया पाठ्यक्रम रहेगा। और इसके लिए मैं आगे बता रहा हूँ कि डेट कब है इसके लिए, और बता देता हूँ पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एंड फिलासफी के फर्स्ट सेमेस्टर मुख्य भूतपूर्व एटीकेटी, सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा एंड फिलासफी पीजी डीसीए डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर मुख्य भूतपूर्व, बी वोकेशनल इन इंटीरियर डिजाइनिंग फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में मुख्य भूतपूर्व एटीकेटी। तो ये फॉर्म आप लोग कब तक भर पाएंगे, तो ये फॉर्म भर पाएंगे 1 नवंबर से, यानी कि आज से 9 दिन बाद, 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक, या मतलब 15 दिन के लिए आपको समय दिया जाएगा। और फिर इसका विलम्ब शुल्क के साथ ₹100 विलम्ब शुल्क लगेगा, 16 नवंबर से 22 नवंबर तक भर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जो पंडित रविशंकर के अध्ययनशाला में कोर्स संचालित किए जाते हैं उनकी भी मतलब फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर डेट आ चुकी है। तो वही कोर्स यहाँ पर भी होता है जो कि आपको ऊपर बताया गया है। उसके साथ साथ एमलिप फर्स्ट सेमेस्टर मुख्य भूतपूर्व एटीकेटी, एमटेक ऑप्टोलेजर इलेक्ट्रॉनिक के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर मुख्य भूतपूर्व एटीकेटी, पीजी डिप्लोमा इन रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर और भूतपूर्व वाले, पीजी डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर नियमित भूतपूर्व, एमएड बीपीएड एमपीएड के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में मुख्य भूतपूर्व एटीकेटी, बीएड थर्ड सेमेस्टर मुख्य भूतपूर्व एटीकेटी, बीएड एमएड फोर्थ सेमेस्टर एटीकेटी, बीपीएड एमपीएड के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर एटीकेटी, एमसीए के थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर में मुख्य भूतपूर्व एटीकेटी और पुराना नया दोनों पाठ्यक्रम इसमें रहेगा। एमसीए के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर एटीकेटी, पुराना नया पाठ्यक्रम दोनों रहेगा। और एमबीए के फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर में मुख्य भूतपूर्व और एटीकेटी, एमबीए के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर एटीकेटी, बी वोकेशनल आरटीजीएस आरटीजीएम के फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर नियमित एटीकेटी, बी वोकेशनल आरटीजीएम सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर एटीकेटी वाले। और उसके साथ साथ सीबीएस के लिए यहाँ पर सीबीएस में जो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ
सेवंथ और नाइन्थ सेमेस्टर रेगुलर एटीकेटी, सीबीएस सेकंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ और टेंथ सेमेस्टर एटीकेटी, बीएलएलबी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ और नाइन्थ सेमेस्टर रेगुलर एटीकेटी, बीएलएलबी सेकंड फोर्थ सिक्स्थ और टेंथ सेमेस्टर एटीकेटी, एलएलएम सेकंड फोर्थ सेमेस्टर, एलएलएम फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर रेगुलर एटीकेटी वाले, और एलएलबी के फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर के रेगुलर एटीकेटी और भूतपूर्व वाले। उसके साथ साथ यहाँ पर एलएलबी के सेकंड फोर्थ सिक्स्थ सेमेस्टर भूतपूर्व एटीकेटी, बी फार्मेसी थर्ड फिफ्थ सेवन्थ नाइन्थ सेमेस्टर रेगुलर और एटीकेटी वाले नया पाठ्यक्रम, बी फार्मेसी सेकंड और फोर्थ सिक्स्थ एट्थ और टेंथ सेमेस्टर एटीकेटी नया कोर्स, और एम फार्मेसी सेकंड फोर्थ सेमेस्टर एटीकेटी, एम फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर नियमित एटीकेटी नया पाठ्यक्रम, एम एस सी आई टी फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर मुख्य भूतपूर्व एटीकेटी पुराना और नया दोनों पाठ्यक्रम, एम एस सी फर्स्ट सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर एटीकेटी पुराना नया पाठ्यक्रम, पी जी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एंड फिलोसफी फर्स्ट सेमेस्टर मुख्य भूतपूर्व सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा एंड फिलोसफी, पी जी डी सी ए डी सी ए फर्स्ट सेमेस्टर मुख्य भूतपूर्व एटीकेटी, इन सारे के लिए 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक बिना विलंब किसी विलंब शुल्क के और 16 से लेके 22 नवंबर तक ₹100 विलंब शुल्क के साथ ये फॉर्म आप लोग भर पाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ बी एड बी फार्मेसी एम फार्मेसी एम सी ए के फर्स्ट सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा की डेट बाद में आएगी, ठीक है। इस डेट के बाद यानी कि 22 तो लास्ट डेट है, 22 नंबर के बाद इसका फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन आपको भरना है। इसके साथ साथ मैं आपको फीस बता देता हूँ कि एम ए एम एस सी एम सी होम साइंस एम कॉम प्रति सेमेस्टर यहाँ पर रेगुलर वालों और भूतपूर्व के लिए 175, एटीकेटी वालों के लिए ₹650, एम ए एम एस सी एम कॉम लघु शोध प्रबंध प्रोजेक्ट विषय ₹240 अतिरिक्त शुल्क के साथ ये हो जाएगा ₹1315 रेगुलर भूतपूर्व दोनों के लिए। मास्टर ऑफ सोशल वर्क के फर्स्ट सेमेस्टर का ₹1230 रेगुलर और भूतपूर्व के लिए, एटीकेटी वालों के लिए ₹850, ₹240 प्रोजेक्ट विषय को मिलाकर ₹1470 हो जाएंगे। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के प्रति सेमेस्टर यहां पर ₹1235 होते हैं और इसके प्रोजेक्ट विषय को मिलाकर ₹360 जो कि उसको मिलाकर ₹1595 रेगुलर और भूतपूर्व के लिए हो जाता है और एटीकेटी वालों के लिए ₹910 होगा। पीजी डिप्लोमा इन रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के एक सेमेस्टर का ₹1190 भूतपूर्व एटीकेटी भूतपूर्व और नियमित के लिए, पीजी डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस के एक सेमेस्टर का ₹1440 रेगुलर और भूतपूर्व के लिए, एटीकेटी वालों के लिए ₹1015 लगेगा। बीपीएड बीएड स्पेशल एजुकेशन एमआर बीएड स्पेशल एजुकेशन आईडी एंड एलडी के प्रति सेमेस्टर या वार्षिक है तो वार्षिक तो ये ₹1190 लगेगा रेगुलर और भूतपूर्व के लिए, ₹765 एटीकेटी वालों के लिए लगने वाला है। एमपीएड थीसिस प्रोजेक्ट लघु शोध प्रबंध के साथ में ₹1870 हो जाते हैं। एमटेक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लेजर टेक्नोलॉजी के एक सेमेस्टर का ₹1430 और उसके साथ एटीकेटी वालों का ₹1010। एमएड थीसिस प्रोजेक्ट लघु शोध प्रबंध के साथ ये हो जाएगा ₹1895 रेगुलर और एटीकेटी वालों का। उसके बाद बीबीए के प्रति सेमेस्टर यहाँ पर ₹1310 रेगुलर और भूतपूर्व के लिए, एटीकेटी के लिए ₹825 होगा। एमबीए के यहाँ पर प्रति सेमेस्टर ₹1470 रेगुलर भूतपूर्व के लिए और एटीकेटी वालों के लिए ₹1045 होगा। एमसीए का ₹1255 भूतपूर्व और रेगुलर के लिए, एटीकेटी वालों के लिए ₹830। पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एंड फिलोसफी के ₹1230 और एमएससी आईटी का ₹1255 और एटीकेटी वालों के लिए ₹830। सेंटर फॉर बेसिक साइंस के एक सेमेस्टर का ₹1130, एटीकेटी वालों के लिए ₹705। भी वोकेशनल बैचलर ऑफ वोकेशन में मतलब ₹1020 लगेगा और एटीकेटी वालों को ₹595। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के एक सेमेस्टर का ₹1440, बीएलएलबी का एक सेमेस्टर का ₹1440 और एटीकेटी वालों का ₹1040 लगेगा। एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर
मतलब हर सेमेस्टर का 1170 रुपये, एटीकेटी वालों का 885 रुपये लगेगा, एलएलएम के एक सेमेस्टर का 1340 रुपये रेगुलर वालों के लिए है, बी फार्मेसी के 2630 रुपये और एटीकेटी वालों का 1245, एम फार्मा 2890 रुपये और एटीकेटी वालों का 2465, एम फिल का 1380 रुपये, एम फिल थीसिस प्रोजेक्ट लघु शोध प्रबंध के साथ 1740 रुपये लगेगा, सर्टिफिकेट कोर्स का यहाँ पर 1190 रुपये लगने वाला है। तो ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेंशन ना लीजिए, यहाँ से आप लोग देख पाएंगे। और फॉर्म भरना चालू होगा आज से 9 दिन बाद, 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक, 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ 22 नवंबर तक भर पाएंगे। तो भाई यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम आने वाले है। अब इसका टाइम टेबल की अगर बात करें तो 22 नवंबर के बाद ही मतलब दिसंबर में इसके टाइम टेबल आने चालू हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाइए। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।